हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। इससे पहले आपको जो पहले मैंने करवाया फंक्शन क्या होगा उसके बारे में टॉपिक करवाया, फिर इसके बाद आपको वन वन फंक्शन करवाया, फिर आपको कंपोजिट फंक्शन करवाया। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन करना है। अभी फंक्शन का इनवर्स कैसे करना है, फंक्शन का इनवर्स कैसे करना है आप लोगों ने, ठीक है? बिल्कुल सिंपल टॉपिक है जी। तो अभी स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपके पास ये नॉन एम्प्टी सेट एक्स है, जी नॉन एम्प्टी सेट क्या है, वाई है, ठीक है? अभी ध्यान से देखना, अभी आपका जी फंक्शन है, मान लो आपका जी कोई एफ फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स टू वाई, एफ ऑफ एक्स टू वाई जी कोई फंक्शन है। अगर जी एफ ऑफ एक्स टू वाई है तो दैट इज हम इसको क्या कहेंगे, जो एफ ऑफ एक्स है वो वाई की इक्वल, क्या कहेंगे हम इसको, जो एफ ऑफ एक्स है वो किसकी इक्वल है, वाई की इक्वल है। इनवर्स क्या होगा कि वाई टू एक्स करना भी आपने ऐसे, ये इनवर्स बन जाएगा। तो जो एफ इनवर्स होगा वो क्या बनेगा फिर आपका, वाई टू एक्स, जो इनवर्स फंक्शन होगा वो क्या बनेगा, वाई टू एक्स बनेगा। अभी अगर ये वाई टू एक्स है तो जो एफ इनवर्स वाई होगा वो किसके इक्वल होगा आपका, एक्स इक्वल। आपने डायरेक्ट लेना है कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है देन जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स वाई, इंप्लाई दैट जो एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स वाई के इक्वल होगा। अभी ये डायरेक्ट लेना है कि अगर फंक्शन एफ है, फंक्शन एफ का डोमेन क्या है, जे, रेंज क्या है, जे, जी को डोमेन है, ठीक है? अभी अगर मैं इन्वर्स करता हूं, अगर मैं क्या करता हूं उसका इन्वर्स करता हूं, देखो ये आपका डोमेन है, ध्यान से देखना, ये आपका क्या है, कोड नेम। अगर आप इसका इन्वर्स करते हैं, जब इन्वर्स करेंगे जो कोड मेन होगा ये क्या बन जाएगा, डोमेन, और जो डोमेन होगा ये क्या बन जाएगा आपका, कोड मेन। ओके अभी इन्वर्स करना कैसे है, आपने एक एग्जांपल आराम से देखो, आप ध्यान देना, यदि एक्स है ये क्या है, y है, मान लो आपका जी ए बी सी है, जी आपका डी ई एफ, ठीक है? मान लो आपका जी मैंने कुछ भी ले लिया, एच भी ले लिया यहां पे, जब कुछ ले लो, ठीक है? अभी जो ए मैपिंग बना रहा है किसके साथ बना रहा है, डी के साथ। अभी जो बी मैपिंग बना रहा है किसके साथ बना रहा है, ई के साथ। जो सी मैपिंग बना रहा है किसके साथ बना रहा है, एफ के साथ। अब ध्यान देखना कि एवरी फंक्शन है जी, जी क्या है, फंक्शन है जी, क्यों फंक्शन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के, एक्स जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मैपिंग किसके साथ बनाएंगे, कोड मेन के साथ बना रहे। अभी मैं कहूंगा इसका इन्वर्स करो, इन्वर्स में क्या होगा कि जितने ये वाई के एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मैपिंग बनाने चाहिए किसके साथ, सभी के प्रीमे जो बनने चाहिए, जब मैपिंग बनाने चाहिए एक्स एलिमेंट के साथ, मगर जहां पे एच बना रहे, ठीक है? अगर एच जहां पे किसी के साथ भी मैपिंग नहीं बना रहा है, इट मीन एच की मैपिंग बननी चाहिए, तभी आपका इन्वर्स बनेगा कि इसके सारे एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए इसके साथ मैपिंग। अगर सभी के एलिमेंट की मैपिंग नहीं बन रही है तो है कौन सा फंक्शन है, ये आपका वन वन इनटू फंक्शन है, या आपका कौन सा फंक्शन है, वन वन इनटू फंक्शन है, बट आपका जो इनवर्स फाइंडर नहीं होगा, जो इनवर्स नॉट इनवर्स, इनवर्स क्यों नहीं होगा इसका, इनवर्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि एच की कोई भी प्री इमेज नहीं बनी, एच की कोई भी इसके साथ मैपिंग नहीं बन रही है, तभी आपके पास ये इनवर्स फाइंड नहीं करेगा, क्योंकि इनवर्स के लिए मैंने आपको सीधा बोल दिया कि अगर एक्स के एलिमेंट सारे वाई के साथ मैपिंग बना रहे, तो इनवर्स कब होगा, जब वाई के सारे एलिमेंट एक्स के साथ मैपिंग बनाएंगे, पर यहाँ पे जो वाई के एलिमेंट सारे एक्स के साथ मैपिंग नहीं बना रहे हैं, तभी आपके पास ये इनवर्स इसका फाइंड नहीं होगा, ठीक है? जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैंने लीजिए सपोज जी मैंने ले लिया एक्स है, जे मैंने ले लिया वाई है, मैंने लिया ए बी सी, मैंने लिया डी ई एफ, ध्यान से देखना, अभी आपके पास ए की मैपिंग एफ के साथ,
बी की मैपिंग ई के साथ, सी की मैपिंग एफ के साथ, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन है, वन वन भी है, ठीक है, और ये आंटू भी है, क्योंकि इससे जो पहले मैंने टॉपिक में करवाया मैंने वन वन आंटू के बारे में करवाया। वन वन क्या होगा कि डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स एज द डिफरेंट इमेजेस इन द बाई, तो सो एक्स इज अ वन वन बन गया। अब ये आंटू भी है, आंटू क्यों है, क्योंकि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है, आंटू के लिए क्या कहा था मैंने कि जो रेंज ऑफ द फंक्शन है वो आपके पास कोड मेन की इक्वल होना चाहिए, कोड कोड मेन क्या है डी ई एफ, इट मींस आपका कोड मेन की इक्वल होना चाहिए। तो ये आपका कोड मेन की इक्वल आ रहा है, ऑल्सो ये आंटू भी है, आंटू क्या कि जो बाई के एलिमेंट है वो सारे सारे के सारे प्री इमेज बनने चाहिए एक्स साथ, अगर बाई के जितने भी एलिमेंट है सभी की प्री इमेज बन रही है, इट मींस जो कोड मेन है इन सभी की क्या प्री इमेज आ रही है, अगर प्री इमेज एक्स साथ बनेगी तो ऑल्सो क्या है आंटू फंक्शन है। अभी मैं कहूंगा कि ए की मैपिंग क्या है डी है, तो डी की प्री इमेज क्या है ए, बी की मैपिंग क्या है ई, ई की प्री इमेज क्या है बी, सी की मैपिंग क्या है एफ, एफ की प्री इमेज क्या है सी, ठीक है। अभी आपका जो फंक्शन एफ है, ध्यान से देखना, अभी जो फंक्शन आपका क्या है एफ है, ठीक है, इधर देख लेते हैं। अभी जो फंक्शन एफ है, देखो जो फंक्शन एफ बना आपका, ठीक है, आपका फंक्शन एफ क्या बना ए डी B E C F, ठीक है। अगर मैं इन्वर्ट करता हूं अब D का क्या बनेगा A, E का B, F का C, ठीक है। इट मीन्स आपका इन्वर्ट कब बनेगा, जब आपका फंक्शन वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा, इट मीन्स बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। अगर वन वन आन टू होगा तभी इनवर्स फाइंड होगा, अदरवाइज इनवर्स फाइंड होगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने करवा दिया कि जहां पे आपका ये वन वन फंक्शन था, इसको क्या कौन सा फंक्शन है, वन वन इंटू फंक्शन है, ठीक है, बट जो बाई है इसकी प्री इमेज नहीं बनी, ये आन टू नहीं है, अगर ये आन टू नहीं है तो इसकी प्री इमेज भी जैसे एच की प्री इमेज एच के साथ नहीं बन रही है, तो आपके पास इसका इनवर्स भी फाइंड नहीं होगा, ठीक है। सेकंड देखो, A function f of x to y is defined to be invertible. हम क्या कहेंगे invertible. If ये किसका साइन है there exist का, क्या बोलते हैं इसको there exist. There is a function g of y to x. अभी आप f inverse लिखो चाहे इसको g लिखो, f inverse लिखो चाहे इसको क्या लिखो आप g लिखो, ठीक है, g y to x such that. अभी ये कंपोजिट में करवाया था कि जो जी ओ एफ गॉफ जी किसकी इक्वल होगा आई ऑफ एक्स, आई क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एक्स, आइडेंटिटी एक्स एक्स की इक्वल होगा, ठीक है। अभी एफ ओ जी है फॉग जी किसकी इक्वल होगा आई वाई का मीनिंग आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वाई, इट मीन्स वाई की इक्वल होगा। तो द फंक्शन जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ, कि अगर ये फंक्शन एफ है तो जो ये जी फंक्शन होगा इनवर्स जी किसका होगा इनवर्स ऑफ एफ, ये लिखा मैंने कि G is called inverse of F, तो it is noted by हम इसको F inverse लिखो चाहे इसको G लिखो, ठीक है। Second one क्या है कि if F is invertible then F must be one one on two. अभी मैंने करवाया कि ये example करवाई, मैंने आपको बता दिया कि ये function क्या one one भी है तो on two भी है। Invertible function कब होगा, जब आपके पास function F क्या होगा one one भी होगा on two भी होगा, जैसे ये one one भी है और ये क्या आन टू भी है, ठीक है। और वन वन एंड आन टू कन्वर्सली इफ एफ इज वन वन एंड आन टू, जो इसका कन्वर्स होगा अगर ये फंक्शन एफ वन वन आन टू है, जो इसका इनवर्स है आल्सो आपका क्या है वन वन आन टू होगा, क्योंकि वन वन आन टू क्यों होगा, क्योंकि जब इसका इनवर्स करेंगे तो बाई की जितने भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, सभी की मैपिंग किसके साथ बननी चाहिए एक्स के साथ, देखो आ रही है ना। अगर मैं जहां से इसको ऐसे करता हूँ एफ तो तभी वन वन आन टू है, अगर मैं इसका इनवर्स करता हूँ तब भी वन वन आन टू है, क्यों है, क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स टू वाई है तो मैंने आपको बता दिया कि ये डोमेन है और ये क्या कोड डोमेन है, अगर मैं इनवर्स करता हूँ तो ये डोमेन बन जाएगा, ये क्या बनेगा कोड डोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो आल्सो आपके पास ये क्या बनेगा इनवर्स आपके फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक दो एग्जांपल लेते हैं और थोड़ी सी, मैंने कहा कि ये एफ इज इनवर्टिबल होगा, ठीक है। अभी ध्यान देखना,
जो कन्वर्स होगा ऑल्सो वन वन ऑन टू भी होगा, ठीक है। अभी देखो कोई फंक्शन आपका फार टू आ है, कोई फंक्शन आपका क्या है, जैसे मैं कहूंगा कि मैं मैनी वन फंक्शन लेता हूं, जी मेरे पास एक्स है, ये क्या है वाई है, ठीक है, मेरे पास ए बी सी कुछ मान लो, डी ई मान लो, सपोज दो जी है, ठीक है, कुछ भी ले लो आप, जहां पे आपको ले लो। अब ये कौन सा फंक्शन है, मैनी वन, क्योंकि आप पहले भी कर चुके हैं जी, पहले लेक्चर में भी कर चुके हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, इफ टू आर मोर एलिमेंट अटैच्ड एज अ सिंगल बेस इन वाई, अभी ए डी, ए डी की सिंगल बेस डी के साथ है, सी एफ की सिंगल बेस ई के साथ है, ठीक है। अभी जी मैनी वन फंक्शन है, अभी मैं कहूंगा जी इसका इनवर्स फाइंड होगा, इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो ए डी टू एलिमेंट की सिंगल बेस आ रही है, ठीक, ओके। अभी जो डी है, अभी डी की टू बेसिस बन सकती है, मैंने आपको फंक्शन स्टार्टिंग में क्या करवाया था कि आपके पास ये ए है, इसकी टू बेसिस बन सकती है बी सी, ये फंक्शन हो सकता है, एक एलिमेंट की टू बेसिस नहीं बनेगी। ऐसे जो डी है इसकी, ये एफ फंक्शन है बट इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, इनवर्स फाइंड नहीं होगा, इसका इनवर्स फाइंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि डी की टू बेसिस नहीं बनेगी, डी के टू एलिमेंट मैपिंग नहीं बनेगी, तभी जो आपके पास मैनी वन फंक्शन है आप इसका इनवर्स फाइंड नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि जो गॉफ होगा वो किसके इक्वल होगा, आई ऑफ एक्स, जो फाग होगा वो आई ऑफ वाई के इक्वल होगा, जी मैंने आपको कॉम्पोजिट फंक्शन में प्रूव करवाया, कैसे, इनको जी ओ एफ ऑफ एक्स, ओके, आप क्या करेंगे जी एफ ऑफ एक्स करेंगे, ध्यान से देखना भी, ओके। मैंने आपको जी एग्जाम्पल प्रोवाइड की, एक्स फंक्शन जी क्या है वाई है, ऐसे नथिंग है, एफ इनमें जो एफ ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है वाई, अगर मैं इसका इन्वर्स करता हूं, इन्वर्स क्या है जी, जो जी ऑफ क्या है वाई, जी किसके इक्वल है एक्स, जी ऑफ वाई किसके इक्वल है एक्स इक्वल है, ध्यान से देखना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि जी एक्स है, जी क्या आपके पास एफ ऑफ एक्स जब वाई, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है वाई, आप मुझे बताओ जो जी ऑफ वाई होगा वो किसके इक्वल होगा एक्स, इवन जो जी होगा एफ आई ऑफ एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा एक्स, ठीक है। अभी इसको एक्स लिखो चाहे आइडेंटिटी फंक्शन एक्स लिखो, मीनिंग क्या है सेम, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन भी मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। ऐसे अगर आप एफ ओ जी करते हैं, ठीक है, इसको वाई करना आपने कैसे करना, देखो एफ ओ जी आप वाई, ओके, एफ ओ जी आप वाई किसके इक्वल होगा एक्स, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा वाई, जिसको आप आई आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ वाई को, कि एफ ओ जी करेंगे तो वाई की इक्वल आएगी वैल्यू, जी ओ एफ करेंगे तो एक्स की इक्वल आएगी। अभी ये क्वेश्चन है कि सेट ए बी है और सेट क्या है बी बी है, अब इसमें कंडीशन दे दी कि जो फंक्शन है वो एफ ऑफ ए टू बी है, मैं गिवन क्या दिया उसने कि जो एफ ऑफ एक्स होगा वो थ्री एक्स इक्वल होना चाहिए, इट मीन आपके पास ये फंक्शन है कोई भी, जिस सेट ए है, जिस सेट क्या है बी है, जीरो माइनस वन माइनस थ्री टू, माइनस नाइन माइनस थ्री जीरो सिक्स, भाई बात पकड़ में आ रही है, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स क्या थ्री थ्री एक्स है, आप मुझे बताओ एफ ऑफ जीरो क्या होगा जीरो, एफ ऑफ माइनस वन भी है, एफ ऑफ माइनस थ्री भी है और एफ ऑफ टू भी है, ओके। अभी एफ ऑफ माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाए आपका माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री करेंगे तो माइनस नाइन, एफ ऑफ टू करेंगे तो सिक्स, इनमें जो आपका फंक्शन बना वो ये बना जीरो का जीरो, माइनस वन का माइनस थ्री, माइनस थ्री का माइनस नाइन और टू का सिक्स, ये फंक्शन बना भी,
क्या बना, जे फंक्शन बना। इन जीरो की मैपिंग जीरो के साथ, माइनस वन की मैपिंग माइनस थ्री के साथ, ठीक है, माइनस थ्री की मैपिंग माइनस नाइन के साथ, और टू की सिक्स। देखो आपके सामने वन वन फंक्शन है, जिसको डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स एज अ डिफरेंट मेजर्स इन वाई। ओके, अभी जो रेंज वाला फंक्शन है वो कोड में सेट वी के इक्वल भी आ रहा है, आल्सो जो क्या है ऑन टू फंक्शन भी है, जे वन वन भी है आल्सो क्या है ऑन टू भी है। अगर वन वन भी है तो ऑन टू भी है, तो आल्सो जे कौन सा फंक्शन है, इनवर्टिबल। अगर वो बाइजेक्टिव फंक्शन पूछता है तभी आपको वन वन ऑन टू करना है, अगर वो बोलता है कि आप इनवर्टिबल फंक्शन प्रूफ करो, शो दैट करो इनवर्टिबल, तभी आपको वन वन ऑन टू करना है, ठीक है। अभी मैं कहूंगा इसका इनवर्स बोलो, अभी मैं कहूंगा इसका इनवर्स निकालो आप, ठीक है। अब इसका इनवर्स कैसे करना हम लोगों ने, अब इसका इनवर्स कैसे करना हम लोगों ने, देखो बिल्कुल सिंपल, इसका इनवर्स निकालना कैसे करेंगे, इनवर्स जीरो का जीरो, ये क्या है माइनस वन माइनस थ्री है, तो आप क्या करेंगे माइनस थ्री माइनस वन, जो माइनस थ्री माइनस नाइन है तो क्या करेंगे माइनस नाइन माइनस थ्री, जो टू नाइन है तो क्या करेंगे नाइन और टू करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर जीरो की जे मैपिंग जीरो है इसका इनवर्स क्या होगा, जीरो की जीरो के साथ प्री इमेज बनने चाहिए। अगर माइनस वन की मैपिंग माइनस थ्री है इमेज, तो प्री इमेज क्या होगी इसकी माइनस वन, ऐसे माइनस थ्री की क्या होगी माइनस नाइन, माइनस नाइन की प्री इमेज माइनस थ्री, टू की इमेज क्या सिक्स, और सिक्स की प्री इमेज क्या टू, आपको कौन सा फंक्शन है ये इनवर्स, ठीक है। अब तुम दे दिया कि लेट एफ ऑफ आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस थ्री, शो दैट करो f इज इनवर्टिबल। पहले आपको क्या करना है, इनवर्टिबल करना है, आल्सो फाइंड इट्स इनवर्स। मगर आपको इनवर्टिबल करने से पहले, इससे पहले क्या क्या करना पड़ेगा आपको, इट मीन्स आपको 1 1 भी करना है और ऑन टू दोनों करने हैं। पहले हम 1 1 करते हैं, देखो पहले हम क्या करते हैं 1 1 फंक्शन करते हैं, जो आपको पिछले लेक्चर में मैं करवा चुका हूँ 1 1 ऑन टू कैसे करते हैं। अगर कोई भी रियल नंबर 2 रियल नंबर डी है, आप कैसे करेंगे, लेट एक्स वन एक्स टू दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर को, ठीक है। मैंने दो फंक्शन को इक्वल ले लिया है, अगर दो फंक्शन इक्वल लेता हूं तो दोनों के वेरिएबल इक्वल आएंगे, तो आपको कौन सा फंक्शन होगा, वो वन वन फंक्शन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वन की वैल्यू टू एक्स वन माइनस थ्री, एफ ऑफ एक्स टू की टू एक्स टू माइनस थ्री, ध्यान से देखना। अभी क्या आएगा आपका 2x1 is equal to 2 times x2, तो x1 किसके इक्वल होगा x2, f is 1 1, ये क्या प्रूफ हो गया आपका 1 1 फंक्शन। आल्सो फाइंड क्या करना आपको, अनटू करना है, देखो अनटू कैसे करना आप लोगों को, अभी अनटू कैसे करेंगे, ठीक है, देखो आन टू कैसे करेंगे, ध्यान से आन टू कैसे करेंगे आप, आन टू, आन टू में क्या कहा था आपको कि जहां तो जो रेंज ऑफ फंक्शन होगा, अगर कोड मीन के इक्वल आएगा तो आन टू फंक्शन, जहां मैंने कहा था अगर लेटर करते हैं बाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, अगर आप एफ ऑफ एक्स बाई की इक्वल प्रूफ कर देते हैं तो आपको कौन सा फंक्शन होगा, वो आन टू होगा। अभी कैसे होगा, ध्यान से करवाया था, ठीक है, मैंने कहा था कि अगर लेटर करते हैं बाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, अगर एफ ऑफ एक्स को बाई की इक्वल प्रूव कर देते हैं तो फंक्शन क्या बनेगा, वो आर टू बन जाएगा, कैसे बनेगा, अभी एफ ऑफ एक्स क्या है टू एक्स माइनस थ्री है, तो बाई की वैल्यू होगी टू एक्स माइनस थ्री, देन फाइंड एक्स कितना आएगा बाई प्लस थ्री, तो एक्स वैल्यू क्या आएगी बाई प्लस थ्री बाई टू, ओके। नाउ अभी मैंने एफ ऑफ एक्स लेना है और बाई की इक्वल प्रूव करना है, जांच को क्या करेंगे, जहां रेंज आता फंक्शन कोड में इनकी इक्वल आएगा तब भी ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। अभी एफ ऑफ एक्स है टू एक्स माइनस थ्री, आप एक्स को एक्स वैल्यू पर पुट कर दो बाई प्लस थ्री बाई टू माइनस थ्री, किसकी इक्वल आया बाई की इक्वल आ गया, तो आल्सो एक्स इज ऑन टू। अगर आपने ऐसे करना है तो ठीक है, अगर आप लोगों ने ऐसे नहीं करना है तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं कि जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो अगर रियल नंबर आता है तो आल्सो
ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब देखो जो रेंज ऑफ फंक्शन है आप इसको अल्टरनेट एक्स भी कर सकते हैं, ठीक है, अरेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रियल नंबर टू रियल नंबर की, अरे फंक्शन क्या है 2x-3, ठीक है। अगर एक्स में कुछ भी पुट करता हूं तो बाई की वैल्यू वही रियल नंबर आएगा, कुछ भी रियल नंबर पुट करता हूं, क्योंकि जो रियल नंबर है वो -∞ to ∞ के बीच है। अगर मैं कोई भी रियल नंबर पुट करता हूं तो आल्सो किसके इक्वल वैल्यू आएगी आपकी रियल नंबर की इक्वल ही आएगी, कोड में की इक्वल ही आएगी। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी रियल नंबर ले लो। सपोज मैं रियल नंबर 1 ले लिया, जब 1 लिया तो इसका मैपिंग क्या आई -1। सपोज मैं 2 रियल नंबर लिया 4-3 1 आई। सपोज मैंने -5 ले लिया तो -5 -10 -39, तो आसो क्या आ रहा था रियल नंबर ही आ रहे हैं। ऐसे मैं रियल नंबर पुट करूंगा आसो रियल नंबर, देखो आसो फंक्शन क्या आ रहा है 1-1 भी आ रहा है, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट इन एक्स सॉरी डोमेन, ठीक है। तो आसो डिफरेंट में जिस इन कोड में आसो जे 1-1 भी है और जे ऑन टू फंक्शन भी है, ठीक है। तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो एफ क्या होगा आपके पास, ये इन्वर्टिबल हो जाएगा, दस एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल। फिर आप लोगों को क्या करना है इनवर्स भी फाइंड करना है। अभी इनवर्स कैसे करना है मैंने आपको बताया होगा पहले कि अगर y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है तो देन जो एक्स होगा वो किसकी इक्वल होगा एफ इनवर्स y की इक्वल, ओके। अभी देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है आपकी y प्लस 3/2 की इक्वल आ रहा है, तो जो x का वही क्या है y एफ इनवर्स। अभी इसको आप x की फॉर्म में रिप्लेस करना है तो आप इसको x की फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हैं। अगर होता कि आप f इनवर्स 0 की वैल्यू फाइंड करो, आप y को 0 की फॉर्म में रिप्लेस कर दो, क्या आएगा 0 + 3/2 कितना आएगा आपका 3/2 की इक्वल आएगा। अगर कहेगा एफ इनवर्स 1 करो तो आप 1 भी कर सकते हैं, 1 + 3/2 तो कितना आएगा 4/2 आपका आंसर 2 आएगा। ऐसे वो जिस टर्म के बारे में पूछेगा आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जी था एग्जांपल रियल नंबर माइनस क्या 2 को छोड़ के, ठीक है, और बी क्या है रियल नंबर -1 को छोड़ के, ठीक है। इफ एफ ऑफ ए टू बी इज अ फंक्शन डिफाइंड बाई दी, उसने गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ इज 1-1 ऑन टू एंड आल्सो फाइंड इट्स इनवर्स, एफ इज 1-1 ऑन टू एंड आल्सो फाइंड इट्स इनवर्स फाइंड करना आप लोगों ने, ठीक है। अभी करना कैसे है देखो, सबसे पहले 1-1 आप क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि दो फंक्शन अगर इक्वल है तो दोनों के वैल्यूबल इक्वल आएंगे तो आपका 1-1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखो f(x)2 क्या होगा x2-1, ठीक है। अब इसको ट्रांसपोर्ट कर दो x1-1 x2-2 x1-2 और x2-x1, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा आपका x1-x2 -2x1 -x2+2, इसको भी करो x1-x2 -x1 -2x2+2, ठीक है। ये देखो ये कैंसिल हो गए, प्लस का 2 भी कैंसिल, ओके। अभी ये क्या आपका -x1 है, जब इधर आएगा तो क्या बनेगा आपका प्लस का x1 तो -x1 राइट साइड गया तो प्लस का, ये -x2 बचा, x1 x2 की इक्वल आ गया। अगर दो फंक्शन इक्वल है दोनों के वैल्यू इक्वल आ रहे हैं तो f इज 1-1, ओके। फिर आपने बात किसकी करनी है ऑन टू की करनी है। अभी ऑन टू कैसे करेंगे, लेफ्ट करेंगे y इज इक्वल है f ऑफ x, ओके। देखो y इज इक्वल है x-1 / x-2, अभी आपने क्या करें इन टर्म्स ऑफ x ले आना है, इसको x की फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है।
कैसे करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इसको, क्या आएगा आपका एक्स वाई माइनस टू वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। फिर क्या आएगा आपका एक्स वाई सेपरेट कर दो, टू वाई माइनस वन, एक्स कॉमन वाई माइनस वन। अब जो आपकी एक्स की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, टू टाइम्स वाई माइनस वन, वाई माइनस वन के इक्वल आ रही है। ओके नाउ आपने क्या करना है, अगर लेक्चर करते हैं वाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, देन फाइंड एक्स करना है और एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल प्रूफ कर देना है, तो आंसर फंक्शन हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स में भी क्या बोलो, एक्स माइनस वन वाई एक्स माइनस टू, वैल्यू पुट करो एक्स की, क्या आएगी टू टाइम्स वाई माइनस वन वाई माइनस वन। ओके करो सिंपल करो उसको, वाई माइनस वन टू टाइम्स वाई माइनस वन प्लस टू, ये दोनों क्या हो गए कैंसल, बाई कैंसल पान वन बाई एफ इज आन टू। अभी वन वन पे प्रूफ हो गया, आन टू हो गया, तो आर दस जी एफ इज क्या होगा इन्वर्टिबल फंक्शन, क्योंकि वन वन आन टू कर लेंगे अगर प्रूफ कर दो तरह, तो जिसको कौन सा फंक्शन होगा इन्वर्टिबल, आप उसको इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हैं, आप उसको बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन होगा तभी इन्वर्स फाइंड होगा, अदरवाइज इन्वर्स फाइंड नहीं होगा। अभी इन्वर्स कैसे करना है देखो ध्यान से, एक्स किसके इक्वल है टू बाई माइनस वन बाई माइनस वन, अगर लेफ्ट बाई की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है देन एक्स किसके इक्वल होगा एफ इन्वर्स बाई, एफ इन्वर्स बाई किसके इक्वल होगा टू बाई माइनस वन बाई माइनस वन। अगर आपको एक्स की फार्मूला प्लेस करना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज करते हैं कुछ, हम अभी को करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, जो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन होगा बाइजेक्टिव इज यूनिक होगा, बाइजेक्टिव क्या कि वन वन आन टू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल करवाई थी कि अगर आपके पास ये कोई एक्स नॉन एम्प्टी सेट है, जे वाई है, जे आपके पास ए बी सी है, जे डी ई एफ है, कुछ भी है, ठीक है। सेकंड क्या है, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, ये जो आपको बता दिया कि अगर कोई बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव क्या होगा वन वन आन टू होगा, जब उसका इनवर्स करेंगे आल्सो क्या रहेगा वो वन वन आन टू ही रहेगा, तो बाइजेक्टिव रहेगा, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि गॉफ, गॉफ बोलो चाहे इसको जी ओ एफ का इनवर्स बोलो, किसकी इक्वल होना चाहिए एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स की इक्वल होना चाहिए, उल्टा रखा रखना आपने, पहले एफ इनवर्स देना फिर जी इनवर्स देना, वो क्या है कंपोजिट फंक्शन है, तो मैंने क्या लिया जी ओ एफ इज इन्वर्टिबल ले लिया, ठीक है, विद जी ओ एफ का इनवर्स एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स, तो शो दैट क्या करना आपने, शो दैट क्या करेंगे एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ गॉफ इज इक्वल टू आई ऑफ एक्स और गॉफ ओ एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स किसके इक्वल करेंगे एडिटिव फंक्शन ऑफ बाई के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अभी ये करेंगे कैसे, ठीक है, मीन है कि आप उसको करेंगे कैसे, देखो कैसे करेंगे इसको, अभी हम जहां भी बताते हैं, अभी ध्यान से देखना कि आपने एफ इनवर्स नो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स आइडेंटिटी फंक्शन एक्स की इक्वल करना है, आप ना क्या करोगे इसको, देखो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी, ओके जी क्या आएगा आपका एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी, ओके ये क्या आएगा आप लोगों का एफ इनवर्स ओ जी किसकी इक्वल रहेगा आपका आई
ठीक है। अब ये किस इक्वल होगा एफ इनवर्स, तो एफ जी किस इक्वल रहेगा आपका आई ऑफ एक्स, आइडेंटिटी फंक्शन आपका एक्स के इक्वल रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या हो गया कि एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो आपकी वैल्यू क्या है आपकी एक्स आई, तो आल्सो आई ऑफ एक्स, तो सिमिलरली आपका जे भी सेम रहेगा, तो जी का अर्थ होगा आपकी एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ओ जी ओ एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है आई ऑफ एक्स। अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूं जिसका क्या बन जाएगा इनवर्स बन जाएगा, तो वही गॉफ का इनवर्स क्या होगा, गॉफ का इनवर्स क्या होगा एफ इनवर्स और जी इनवर्स बन जाएगा। अभी एफ इनवर्स का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा एफ के इक्वल, जिसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है, सपोज बोला आपका जी फंक्शन है, आपका जी फंक्शन है, फंक्शन क्या है आपका ए डी बीई सी एफ, अगर आप उसका इनवर्स करते हैं तो क्या आएगा डी ए AB, FC. अगर आप उसका अगेन इनवर्स करते हैं तो क्या आएगा आपका AD, BE, CF. तो अगेन इक्वल आ रहा आपका एक्स के इक्वल आ रहा है। अगर आपका फंक्शन कोई भी एक्स टू वाई है या डी वाई टू एक्स है, ठीक है, तो ग्राफ आई एक्स जी आपको मैंने जब अभी करवाया इनवर्स जब स्टार्ट करवाया जी बता दिया कि जो गॉफ होगा वो आई एक्स की इक्वल होगा, जो फॉग होगा वो आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बाई की इक्वल होगा, ठीक है, तो एफ एंड जी आर बाइजेक्टिव एंड जी किसकी इक्वल होगा एफ इनवर्स, जैसे जी फंक्शन एफ है तो जी क्या होगा इसका जी, जो जी है वही क्या है एफ इनवर्स के इक्वल है, जो जी फंक्शन वही क्या है एफ इनवर्स के इक्वल है, तो जी दोनों क्या होना चाहिए आपके पास वन वन, और जो एफ फंक्शन होगा वो भी वन वन ऑन टू होना चाहिए, जो जी फंक्शन होगा जे भी वन वन ऑन टू ही होना चाहिए, ठीक है, ओके।